हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बनाते हैं मैक्रोनी और पास्ते की चटपटी सी रेसिपी। ये देखिए, हमें उसके लिए पहले 2 कप पानी लेना है। पानी लेने के बाद हमें इसे 3 से 4 मिनट के लिए पास्ता और मैक्रोनी को बॉईल करना है। ये देखिए, हमारा पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हमें इसमें ये मैक्रोनी और पास्ता डाल देना है। डालने के बाद हमें इसमें स्वाद अनुसार नमक डालना है। नमक डालने के बाद हमें इसमें थोड़ा सा तेल डालना है ताकि इनमें चिपकन ना हो। अगर हम तेल नहीं डालेंगे तो इनमें चिपकन हो जाएगी। अब ये देखिए, हाँ, इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है और हमें ना इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद देख लेना चाहिए ताकि इसे चलाते रहना चाहिए ताकि ये चिपके ना, वरना अगर हम नहीं चलाएंगे तो इनमें चिपकन हो जाएगी। ये देखिए, हमारा पास्ता अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम इसे पानी में से निकालते हैं, 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए, हमारा ये पास्ता अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब ये 5 मिनट के हम ठंडा करने के लिए रखा, ठंडा भी हो चुका है। अब इसके लिए हमें पहले फ्राई पैन लेना है। ये देखिए, हमारा फ्राई पैन अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें तेल डालते हैं, तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। ये देखिए, हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है और मैंने यहाँ पे एक कटी हुई प्याज ली थी और 3 से 4 मैंने कटी हुई हरी मिर्च ली थी और हम इन्हें अच्छे से चला लेंगे और थोड़ी देर तक इन्हें पकने देते हैं। गैस की फ्लेम तेज़ी रखनी है। ये देखिए, हमारी प्याज और हरी मिर्च अच्छे से पक चुकी हैं और अब हम इसे इसमें डाल रहे हैं टमाटर। मैंने यहाँ पे टमाटर का पेस्ट लिया है, मैंने यहाँ पे कटे हुए टमाटर नहीं लिया। अगर हम कटे हुए टमाटर तो उसके जो ग्रेवी होती है अच्छे से नहीं बन पाती। मैंने यहाँ पे टमाटर का पेस्ट बनाया था, इससे ग्रेवी अच्छी हो जाती है। ये देखिए, हमारे टमाटर अच्छे से इसमें मिक्स हो चुके हैं ताकि इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए ताकि दिखाई भी ना दे। और अब हमें इसमें डालनी है, मैंने इसमें यहाँ पे मैगी का मसाला और थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी पाउडर लिया था और हम इसमें मिला डालते हैं। ये देखिए, मैं हम इसमें डालते हैं और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है। नमक डालने के बाद हमें इसमें थोड़ी सी कैचअप डालनी देनी है, कैचअप से इसमें टेस्ट अच्छा आएगा। ये देखिए, हमारा मसाला अच्छे से रेडी हो चुका है और इसे अच्छे से पका लेना। और अब हमें इसमें डालना है पास्ता। ये पास्ता डालने के मैक्रोनी पास्ता हमें अच्छे से मिला लेना है। ये देखिए, देखने में कितना टेस्टी और कितना अच्छा लग रहा है, आप भी ट्राई ज़रूर करना। ये देखिए, जैसा हमने बनाया है ऐसे ही बना के ट्राई करके देखना ज़रूर। ये देखिए, हमारा मैक्रोनी पास्ता बनके रेडी है और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ट्राई ज़रूर करना और हमारे चैनल को लाइक। ये देखिए, हमारा कितना अच्छा, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऊपर से ज़रूर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ज़रूर डालें।